টিভির টপটেন খবর। बदलिबनी एसएससी ओ एसटी छात्र छात्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप राज्यर अनुसूचित जाति और जनजाति पिलांकर मैट्रिक परवर्त छात्रवृत्ति कौन परिवर्तन होना एने का मुख्यमंत्री कार्यालय पक्ष ट्वीट कर सूचना दी जा। डिसेंबर 1 रु पुणी चलचंचल कोणार्कर रामचंडी बेलाभूमि। डिसेंबर 12 राज्यर समस्त आईनजीवी संघ निर्वाचन हाइकोर्ट बार आसोसिएशन सहित राज्यर समस्त आईनजीवी संघ कर्मकर्तार निर्वाचन 2020 डिसेंबर 12 अनुष्ठित हेबो। कटक जगतपुर अंचल पद्मपुर महाजनपुर त्रिलोचनपुर कमिशनरेट पुलिस चढ़ाऊ लक्षाधिक टंकार बाण जबत 3 अटक घटनास्थल एसीपी जगतपुर आईआईसी समेत बहुत अधिकारी उपस्थित। आजु पुणी राज्य में तापमात्रा बढ़ शीत कम ओडिशार शीतर प्रकोप धीरे धीरे बढ़ुची यार प्रभाव में राज्य में 10 डिग्री तलक खसी पारद एने आंचलिक पापाग विशेषज्ञ सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते आज ताति क्रमशः बढ़। हरियाणा में 2 घंटा बाण फुटाइवा अनुमति हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज घोषणा करते करोना एवं प्रदूषण को दृष्टि रे रखी एथर अनेक राज्य रे दीपावली बाण फुटाइबा उपरे कटकणा जारी करिसेंति। तेबे हरियाणा रो सरकार वर्तमान बाण फुटाइबा उपरे नुआ नियम जारी करिसेंति। जोरिमाना देई न पारिबारु चासी कानधरी बस उद्घटना तहसीलिंग दानकर नाम रे एतला। अनुगुल जिला आठमल्ली उपखंड अंतर्गत किशोरनगर तहसीलदार काली मास्क चेकिंग समय रे 2 जन चाषी को सठिक ढंग से मास्क परिधान कर मोटरसाइकल अटकाई जनका 500 टंका जोरिमाना दियो बोली कहते टंका तांको पाखरे नाही बोली कहिबारु तहसीलदार से मानू कानधारी बस उड कराइबा अभियोग होइतला। एलओसी रे आतंकवादी एक बड़ अनुप्रवेश को सीमा सुरक्षा बाहन पंड कर जम्मू काश्मीर कुपवाड़ा जिले में आतंकवादी प्रवेश करुवा जाणीबा परे सुरक्षा बाहन चारिपटू घेरी जाई आतंकवादी प्रबल गुलीमाड़ करते एनकाउंटर में 3 जन आतंकवादी निपात होता बेले आतंकवादी गुलीमाड़ 4 जन जवान शहीद हो जाते शहीद मान जड़े सेना अधिकारी रही। मंथर होउची महामारी गति गत 24 घंटे 1434 आक्रांत 15 मृत राज्य में गत काली 1434 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होती से क्वारंटाइन सेंटर 833 जन थिबा बेले लोकल केस 601 रही। जो बाइडेन उपराष्ट्रपति कमला हर्सिन को शुभेच्छा जनइले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक युक्तराष्ट्र आमेरिकार 2020 निर्वाचन में बहुमत हासिल कर राष्ट्रपति प्रार्थी जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति प्रार्थी कमला हर्सिन को ट्वीट कर शुभेच्छा जनाई।